అక్కడికి స్మార్ట్ हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी टाइम हो रहा है 8:29 और मैं अभी आया हुआ हूँ यहाँ पर इनके घर पर, जो काम कर रहे हैं उनके घर पर। कुछ सामान वगैरह लेना था, हम लोग कब्रिस्तान पे सारा सामान छोड़कर अभी फ्री हो गए। अभी यहाँ से छोटा मोटा सामान लेकर जाना था, वह होला मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें थी वो। अभी मैं घर नहीं जा सकता, बहुत दूर है, तो इनका जो है ना अड्डे पर घर है, तो उन्होंने कहा हमारे घर से लेकर आ जाओ। तो अभी मैं घर आया हूँ इनके, वहाँ से सामान वगैरह उठाते हैं, देन जाना है अड्डे पर और छोटे मोटा सामान लेकर फिर हम डायरेक्ट वहाँ जाएंगे। और आज आपको मैं अपनी सारी रूटीन इंशाल्लाह शेयर करूंगा, तो मेरे साथ रहिएगा और आज देखिएगा कि एक कब्र कैसे रेडी होती है। तो आज का टाइटल भी हमारा यही होगा। ओके, यार बर्फ वगैरह डलवा लिए और अभी चलते हैं हम वहां पर, क्योंकि वहाँ पर सारे वेट कर रहे हैं। तो आज यार मैनुअल गार्ड की तो हम बात नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जाके बात करें। भाई सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग कब्रिस्तान पहुँच गए और वो सारे जो है ना वो सामने भर रहे हैं पानी। हम लोग आ गए हैं, तो हम लोग अभी फ़िलहाल ये कर रहे हैं, सबसे पहले मिट्टी हटाएंगे। मिट्टी हटा के इसकी बेस तैयार करनी है हमें, तो मिट्टी एक दफ़ा पूरी हटेगी, देन ईंटों से हमारी बेस बनेगी, देन अगला जो प्रोसीजर होगा मैं पूछ के आपको बताता हूँ कि अगला सीन क्या होगा। मुझे खुद नहीं पता तो मैं अभी बोल दूं, लेकिन जो अभी कर रहे हैं कि अभी ये सारी मिट्टी हट जाएगी, देन हम इसकी साइडों पे ईंटों की पूरी एक दीवार टाइप बनाएंगे कि उसकी बेस बने, ताकि वो बिल्कुल जो है ना टाइट रहे, कि कल को अगर बारिशें या कुछ ज़्यादा होती हैं तो वो अपनी जगह से हिले नहीं। तो वो करनी है, देन जो है ना फिर उसके ऊपर ये सारा मार्बल वगैरह लग जाएगा। तो अभी वो लोग आते हैं, तो देन नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यार भाई सीन हो गया है कि मैं जो हूँ ना सामान तो सारा ले आया था, लेकिन कब्र की कुछ मार्बल थे 4-5 टुकड़े, वो दोबारा वहीं रह गए। तो यार अब जा रहा हूँ मैं दोबारा, वो लेता हूँ और उनके लिए चाय भी बनवाई है, तो जो है ना चाय भी लेते हैं और फिर आते हैं इनके पास। तो अभी ये लोग बेस तैयार कर रहे थे, अभी जो है ना उसके चार कोनों पे ईंटें वगैरह रख कर स्टार्ट करेंगे कि भाई कहाँ तक कब्र की लेंथ है, वो उन्होंने नोटिस करके ना वहाँ पर ईंटें लगाना स्टार्ट कर दी हैं। तो अभी जब हम लेकर आएंगे तो तब वो स्टार्ट करेंगे, तो बस अभी जल्दी से जाते हैं और सबसे पहले वो लेकर आते हैं, ताकि जो है ना लेट ना हो, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा जी। तो अभी अभी ना वो पीस उठा लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पीस रह गए थे, 4 पीस थे वो मैंने अभी उठा लिए हैं। अब जो है ना चाय वगैरह डलवाते हैं, चाय वगैरह डलवा कर फिर हम चलते हैं वहाँ पर। और आई होप सो कि उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं होगा, लेकिन मुश्किल बात है, लेकिन फिर भी चलते हैं। फिर जो हुआ वो आपको मैं साथ साथ दिखाता रहूँगा कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है, ठीक है। तो अभी ना चलते हैं, थक गया हूँ यार सुबह से काम कर करके, लेकिन क्या करें, बस करना तो है, मैंने नहीं तो किसने करना, फिर करना तो है, करना है तो करना है, फिर अब क्या करें। चले मैं चाय डलवाता हूँ, घर आके चाय डलवा के फिर चलते हैं। भाई सीन ये कि हमने जो है ना आप ये भी चाय वगैरह उठा ली है और थोड़ा सा टाइम लग गया, छोटे को सुला दिया मैंने, वो सारों को तंग कर रहा था, उसको आई भी थी नींद, तो बस उसका वीकनेस वीक पॉइंट हमें पता है ना, तो बस 5 मिनट लगाते हैं हम उसको सुला दिए मैंने। तो चलो अभी वो लोग आराम सुकून से काम करते रहेंगे, चाय शाय ले लिए, अभी वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन आया तो मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट, अभी जल्दी में वहाँ जाते हैं जाकर फिर। अभी तक उन्होंने बेस ही मेरे ख्याल में तैयार की है, ज़्यादा काम हुआ नहीं, अच्छी बात है। फिर हम आपको बताते हैं कि अभी वो कर क्या रहे हैं और किस तरीके से अगला सीन होगा, क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम है, तो बाकी भी बहुत सारे लोग होंगे जो फ़र्स्ट टाइम मतलब कि ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, या उनको एक्सपीरियंस होगा कि यार अच्छा इस तरह भी होता है सीन, ठीक है। तो फ़िलहाल बस चलते हैं जल्दी से। और आज यार हमारे पास है बोस, ठीक है, इससे कहते हैं बोस फिरारी। तो मैं आपको ज़्यादा दिखा तो कुछ नहीं सकूँगा, क्योंकि यार एक तो है मैनुअल, ऊपर से जो है ना ऐसे ऐसे में हो रहा हूँ, तो बस अभी चलते हैं यार, वेट नहीं करते ज़्यादा जी। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने कब्र की बेस बना दी है, वो जो मैंने आपको बताई थी कि ईंटें लगानी है हमें, एंड देन जो है ना उसके ऊपर हम मार्बल रखेंगे।
तो ईंटों के नीचे बेस बनाकर ऊपर मार्बल रख दिए और अब ऊपर स्टार्ट होगी। एंड अभी अंदर भी जो है ना ये ईंटें लगाई हैं, आप लोग देख सकते हैं ये। और अभी हमारे जितने भी मिस्त्री साहब हैं वो कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं थोड़ा सा। सुबह से आए हुए थे तो थोड़ा सा आराम ज़रूरी है, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना दूं, आप लोगों को बता दूं। अब जो वो लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि असल में आगे जो हैं वो क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा हो चुका है, हमारी बेस तैयार हो गई है, आप लोग देख सकते हैं टोटली यहाँ से यहाँ तक मीन्स कि जो भी था वो कर दिए। तो बेस स्टार्ट हो चुकी थी, मैं चला गया था और अब जो है ना आकर मार्बल वगैरह लगा दिया। तो अब जो है ना साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। हाँ जी, तो फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि फर्स्ट स्टेप वो लोग कंप्लीट कर चुके थे, जो मैंने आपको बताया जो बेस उन्होंने बनवाई है ठीक है वो कंप्लीट कर दी थी, और सेकंड स्टेप ना वो हाफ तक पहुंच गए थे, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं उसके बारे में बता नहीं सका आपको। तो अभी भी फिलहाल जा रहा हूँ घर उनके लिए खाना लेने, खाना लेकर आए तब तक जो है ना वो सेकंड स्टेप कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे बनाया है और उस पर मीन्स के क्या क्या सीन उन्होंने किया है ना, तो वो टोटली बना ले तो मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल मैं जाता हूँ खाना लेकर आता हूँ, मैं उनको खाना दूंगा एंड देन आपको बताऊँगा कि भाई ये क्या सीन है, उन्होंने क्या क्या किया है। तो खाने ये के टाइम मिलते हैं आपको। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप हमारा ये था जो मैंने आपको बताया था, जो हमारी बेस थी। सेकंड स्टेप हमारा ये है जो मैं आपको बता नहीं सका, पहले यहाँ तक कंप्लीट हुआ था और मैं जब गया हूँ तो ये वाला भी लगा दिया है और ये टॉप अभी लगा रहे हैं। तो सीन ऐसा है कि ये सेकंड स्टेप है ठीक है, इसके अंदर जो है ना इसी तरह ये पूरी बेस बना के ना साइडों पे एंड यहाँ पर मसाला भर रहे हैं ताकि इसको जो है ना सपोर्ट मिले एंड देन जो है ना वो मजबूत रहे। तो इसी तरह आके यहाँ पर अंदर पूरा ना बेस बनी है, उसके साथ जो है ना मसाला लगा है एंड देन अभी ये इसके ऊपर एक और इधर रखेंगे एंड देन यहाँ पर एक और रखेंगे, तो देन ये कवर कम्प्लीट होगी। तो अभी मीन्स के एक स्टेप और बाकी है, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है एंड देन जो है ना बस वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो अभी ये कंप्लीट होती है देन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लगेगी कैसे। यार सीन अभी कुछ ऐसे हैं कि ना अभी कवर वगैरह तैयार होने वाली है और अभी हम लोग आए थे कि कुछ सामान वगैरह लेना था, हो लिया है जूस वगैरह लिया कि जूस वगैरह पियेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है वो लेते हैं। और अब मैं आपको फाइनल लुक दूंगा जाकर कि कब्र तैयार हुई है तो वो कैसी लग रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, लेकिन चले आप लोग देखकर बताइएगा कि कैसी लग रही है एंड अब मैं आपको जाके वहाँ पर मिलता हूँ। जी तो आप लोग देख सकते हैं ये है फाइनल लुक, जो तैयार होने के बाद फाइनल लुक आई है। इसकी साइड्स में आपको दिखाता हूँ, ये इसकी साइड्स हैं और मैं जो बात कर रहा था ये हमारी बेस थी ठीक है। बेस के बाद हमने ये फर्स्ट पोर्शन इसका लगाया था एंड उसके बाद ये हमने सेकंड स्टार्ट किया था, सेकंड के बाद ये टॉप लगा कर इसे यहाँ पर क्लोज़ किया था एंड देन जाकर ये बिल्कुल जो है ना ओके हुई थी ये। यार तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:12 और फाइनली सारे काम ख़त्म हो गए हैं। कुछ सामान बच गया था, ईंटें बच गई हैं और जो खाना वगैरह मैं लेकर आया था अभी वो जो है ना ईंटें करवाते हैं वापस, पहले अड्डे पे देंगे देन बाकी जो जितना भी सामान है वो हम घर ले जाएंगे। गाड़ी वगैरह भी आ गई है और अभी मैंने ना रिक्शे वाले को फ़ोन कर दिया, वो आता है तो हम ईंटें लोड करते हैं और पहले अड्डे पर इनको छोड़ते हैं और फिर जो है ना हम जाएँगे घर पर और फिर करेंगे आराम। यार आज बहुत थक गया हूँ, आप लोगों को कवर भी दिखा दी और अगर आप लोगों को पसंद आए तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि अच्छी बनी है या नहीं, मीन्स कि जो भी आपको जैसा लग रहा है ना ठीक है आपने वो मुझे ज़रूर बताना है। यार सारे काम फाइनली ख़त्म हो गए और अभी जाते हैं घर, बहुत थक गए हैं और सारों को करते हैं बाय बाय। शफकत साहब हैं, खुर्रम साहब स्पॉन्सरशिप, दुकान के स्पॉन्सरशिप पर इन्होंने मुझे 2 केक खिलाए, 1-2 गिलास पानी के भी पिलाए तो स्पॉन्सर करना पड़ा है और उस्मान भी है, सॉरी अरसलान भी है, ठीक ठाक।
तो अभी सीन इस तरह करना है, घर चलते हैं, वीलोग जो है ना एडिट करते हैं और इसे अपलोड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगे, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।